शख्स ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, जो कि इंडियन हैं लेकिन हॉलीवुड में काम करते हैं। हॉलीवुड में भी ऐसा काम करते हैं, जमा के काम करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और कर रहा हूं, तो आज मैं आपको फिर ऐसे शख्स ही बोल रहा हूँ, सेक्स तो नहीं बोल रहा ना, शख्स से मिलवाना जा रहा ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, जो कि इंडियन हैं लेकिन हॉलीवुड में काम करते हैं। हॉलीवुड में भी ऐसा काम करते हैं, जमा के काम करते हैं, और वहां भी जब तालियां बजती हैं तो बोलते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हॉलीवुड में काम करते हैं लेकिन उनके वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इनका आज भी बहुत फेमस है। तो चलिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर से मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम टू संजय चौधरी यूट्यूब चैनल में आइए मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे यार, हॉलीवुड एक्टर, प्लीज कम फास्ट कम मिलिए। हेलो हाय, और मैं सीधा अभी हॉलीवुड से चला आ रहा हूँ, लंदन से। मुझे ऐसा लगता है ये बैग रहा मेरा भाई, फिर मैंने इतना अच्छा स्वागत किया तुम्हारा, वाह क्या बात है, क्या बात है, और तुम कह रहे वाह मेरा बैग रखे लंदन से चला रहा हूँ। अभी लंदन तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे लंदन से चले आ रहे हो। ओके एक्चुअली ये बहुत ही वाहियात जो था जॉन। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, आप पहले भी देख चुके हैं, इज वेरी फनी गाय, अरे हॉलीवुड स्टार में करो ना। हेलो और नमस्ते, मैं आपसे नमस्ते कहना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला कैमरा है, और जो कैमरे को बता शूट करने के लिए आया वाकई में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ, हॉलीवुड की डबिंग से हूँ, इसलिए मेरी आवाज ऐसी ही हो गई है। अरे भाई हमें कैमरे का प्रमोशन नहीं करना, हमारे दोस्तों को एक्टिव करना, उनको लगे कुछ अच्छा सा। ओके ओके फिर से बोलो, हॉलीवुड स्टार में कैसे डबिंग करते हो? पाक है बहुत ही सुंदर, कमाल कर दिया आपने। तो भाई जो मैं चाह रहा हूँ, जो आप जो स्टूडियो में करते हैं, जो डबिंग करते हैं बॉलीवुड फिल्मों की, या उनकी भी करते हैं तमिल फिल्मों की भी करते हैं, बहुत तमिल भी बहुत किया मैं, और हिंदी तमिल बहुत किया सब, हिंदी थोड़ा कम आता मेरे को, तमिल ऐसा तमिल बोलता है जो बोल रहा है ये तमिल है मेरा। तमिल है, तेलुगु है, तमिल तेलुगु इंडू रंडू नालगू पेलू तेलु आई आता मेरे को सब आता, इनको सब आता है, सब आता है, सबको बनाता है यार, सबको बनाता नहीं मतलब सबको अच्छा कुछ करके। हिंदी थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत, बाकी सब भाषा के लिए है। अच्छा हॉलीवुड में जब डबिंग करते हैं, जब आपको बोलता है स्टूडियो में कि भाई साहब इंग्लिश में इसका मतलब ये, आप हिंदी में इसके डबिंग कीजिए, तो आप एक बार में पकड़ लेते हैं चार बार सुन के, फिर पकड़ते हैं उसको एक बार में पकड़ लेते हैं। बाकी आजकल तो अगर हॉलीवुड वाले मुझे स्क्रिप्ट ना भी दे तो अपने हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि हॉलीवुड में कुछ ऐसा होता है कि बस वो देखो उत्तर की ओर, वाकई बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, जॉन इसके जबड़े बहुत ही मजबूत है, देखो ये कैसे देख रहा है, ये तो बहुत ही बाहियात है। और अगर कोई डायन अगर भूत रहते हैं वहां के, तो वो इस तरीके से बात करते हैं, कुछ अलग लहजा होता है उनका। ओहो इंसान के बच्चे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन अगर उनमें मिर्ची लगाकर खाई जाए तो वो बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं, मुझे इसे खाने की इच्छा हो रही है लाली, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? नहीं जो तुम उसे नहीं खाओगे, वाकई ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे खाना चाहूंगा। ओहो इसके जबड़े बहुत ही नुकीले और बदनुमा बदबूदार हैं, वाकई बहुत ही नुकीले है, ओहो ये चुपता भी है। हमें भागना होगा उत्तर की तरफ, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पर रहना। गाड़ी की स्पीड है 303, हमें इसी स्पीड से जाना होगा, ओहो अगर हम समय से नहीं पहुंच पाए तो ज्वालामुखी फट जाए, वाकई हमें भागना होगा। अरे भाई भाई, अरे मेरे दोस्त, अरे भाई प्लीज, ये हॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही है, ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल का व्लॉग है, प्लीज आप परफॉर्मेंस में इतना मत घुसिए कि आप कैमरा से बाहर हो गए, और आप देख भी नहीं रहे हो कैमरा से, कट रहे हो यार, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, प्लीज भाई ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। वाकई मैं ब्रह्मांड की ओर चला गया था, ब्रह्मांड के रखवालों ने मुझे पकड़ रखा था, वाकई बहुत ही डरावना भयावह समुंदर था। लेकिन यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग तो यार, मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर ना फ्रेम से कटो मत। अच्छा तुम यार बहुत अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो तो फिर मुझे लगा मैं ही फ्रेम छोड़ के भाग जाऊं। हां बाकी बाकी वो बहुत ही खूबसूरत था, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये मिरर में ज्यादा दिख रहा है तुमसे ज्यादा।
देखो ये चीटी को, चीटी भी नजर आती तो वहां के लोग बहुत ये उससे ऐसे बोलते बहुत ही गंदी बाहियात बदबूदार चीटी, तुम यहां से चली जाओ। चीटी भी ऐसे करके चली जाती। वो खराब हो गया सर। लेकिन यार तुम बहुत अच्छी डबलिंग करते हो। लेकिन अगर टॉम क्रूज तुमसे मिला है, लेकिन टॉम क्रूज काफी कितनी बार मेरे को क्रूज वगैरह ये सब मिलते रहे। नहीं क्रूज पर दुनिया जाती है, क्रूज पे जाते हैं, गोवा में जाते हैं, लेकिन टॉम क्रूज की बात। हाँ टॉम मिला ना, टॉम अलग क्रूज दोनों अलग अलग मिलते हैं ना, एक साथ कभी मिले ही नहीं। एक साथ मिलते तो फिर यहाँ पे नहीं होता मैं बॉम्बे में चूल्हे ला दूंगा। मेरे कंधे और जोड़ों में जोर का दर्द होने लगता है जॉन। बाकी ये सही है। हाँ डिस्कवरी का अगर क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगे? नहीं नहीं मैं हाँ मैं इसे इस्तेमाल करूंगा अगर बाई चांस हम डिस्कवरी का शूट करने जा रहे हैं। ओके ठीक है, इसमें हमने सामान रख लिया सब कुछ, पानी में उतरना है, पानी में उतर गए और पानी में उतरने के बाद जब सपोज बाहर ना ऐसे पानी चले जाओ ऊपर से नाग आ गए तो क्या करोगे? सांप का बच्चा मैं इसके जबड़े को पकड़ के तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाहूंगा। ओहो एक तरफ तो इस सांप का जबड़ा, दूसरी तरफ इतना ठंडा पानी, मुझे ठिठुरन महसूस हो रही है जॉन, मैं इसमें डूब जाना चाहूंगा। जॉन मेरा हाथ छोड़ा, मैंने मेरा हाथ ऐसा मरोड़ लिया। कैसा तू तो वेरी गुड, वेरी बहुत ही ब्रिलियंट कलाकार है आदमी। मैं तो कभी कभी ऐसा आधे से ज्यादा जो मुंबई भरी हुई ना इन जैसे लोगों को देख के मुंबई में लोग इकट्ठे हुए हैं, ये मोटिवेट करते हैं ऐसे लोग। मैं भी मोटिवेट नहीं था, मैं अभी सोया हुआ था दोपहर में, दिन में सो रहा था, इस वजह ने मेरे को चामक कर दी। आया घंटी बजाई तो कहते हेलो जॉन तुम सोए हुए हो, जॉन तुम जाग जाओ, तुम्हें जागना होगा, जॉन तुम क्या करने आए थे मुंबई, ओ जॉन तुम्हें उठना पड़ेगा और हमें कुछ पैसे मच्छी खानी होगी और हमें पहले क्या बोलते फिर से ये मछली खाना चाहता था, आधी पकी जली हुई गंदी सी मछली जैसे हम देखना भी पसंद नहीं करते हो जो तुम से खा सकते हो क्या? वाकई भाई कसम से अगर तुम सारे एक्सप्रेशन उधर देख के दोगे ना। बाक है ये बहुत ही गंदा और बदबूदार मजाक था। मजाक भी बदबूदार होता है क्या जॉन? यस जॉन यस बेबी ओके या लेकिन मैं क्या कर रहा बात बर्बादी। वो देखो नीला परिंदा बहुत ही खूबसूरत है। ओ ये तो गंदी सी पॉलिथीन हवा में उड़ रही है, देखो ये कितना वाहियात मजाक था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, मैं अंडे भी नहीं खाता, फुल वेज हूँ। तो मैंने इनको बताया था कि इस तरह से मुझे इन्होंने उठाया, हेलो जॉन उठ जाओ आपको मच्छी खानी होगी। पता नहीं कैसा बहुत अच्छा बुड्ढा पिंग करते तू यार। आ बस 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 लेकिन अभी मिली नहीं। अरे मुझे तो लगा तू यार नहीं मच्छी नहीं थी, अच्छा मच्छी नहीं थी, काम तो बहुत अच्छा था क्योंकि स्टूडियो में जब जाता था सब खाली जा रहे थे कि हटाओ इसको हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि जब टॉम क्रूज की जब डबिंग करता था कहते टॉम क्रूज ही मुझे फील होना है। हाँ टॉम क्रूज फील होगा तभी फील होगा। और मैं बोलता था कि आपने आवाज मेरे लिए है तो सीन में भी मेरे को आप रखो, तो बोल गए तेरे को रखने का नहीं हमको। तो मैंने कहा ठीक है आप अपना काम करो मैं अपना देख लेता हूँ, आप लंदन में हो तो मैं अभी मुंबई में हूँ।